चारी के बहस के अलावे कोई उपाय नहीं है पार्टी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं वह बहुत तरह के गलत विचारों से प्रभावित है। वह धर्म जात इन सारी बातों के बारे में गलत विचार वे लोग रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विचार को रखने के लिए एक सैद्धांतिक बहस जरूरी है और इसी से पार्टी का विकास अभी तक हुआ है। और यह जैसे अभी भी बहुत से एलियन रुझान वर्किंग क्लास में आया है, एलिट का पैदा होना, उसके बाद जो एनार्किस्ट कुछ है लेफ्ट के नाम पर, उनसे भी जब तक आइडियोलॉजिकल बहस हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सोशल डेमोक्रेटिक विचारों का रिफ्लेक्शन है, और तब तक हम मजदूर वर्ग को एक क्रांतिकारी और समाजवादी रास्ते पर नहीं ला सकते। आंदोलन हम लोग करते हैं, जमीन आंदोलन करते हैं, भूमि आंदोलन करते हैं, भूमि का बंटवारा करते हैं, लेकिन जब तक वहाँ के जनता में आइडियोलॉजिकली उसको प्रभावित करके हम अपने साथ नहीं लाएंगे, तो यह आंदोलन का भी प्रभाव ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इसलिए पार्टी की ज़िंदगी में, एक कम्युनिस्ट की ज़िंदगी में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल एक बहुत ही आवश्यक अंग है। हर जगह हम चलते हैं, हमको एक नए ढंग का, साइंटिफिक ढंग का, वैज्ञानिक ढंग से लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक बिहार में बिहार वामपंथी राज रहा है, लेकिन इधर जातवादी राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, पहचान की राजनीति में वह विभ्रम में पड़ गया है। अगर हम वर्गीय सवाल को लेकर के सैद्धांतिक बातों को लोगों के बीच में जाएंगे, अगर हम रोजमर्रे का इशू को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो हम बिहार में बहुत ही संभावना है कि वाम आगे बढ़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ेगी, यही बिहार का है। बिहार वाम राज रहा है शुरू से।